क्या आप हार चुके हो और अपने सपनों से मुंह मोड़ लिए हो, या फिर आपके अंदर अभी भी संघर्ष करने की ताकत बाकी है? क्या आप हार मान लोगे? नहीं, आप नहीं हार मानोगे। लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अगली बार आप हार मान लोगे, लेकिन नहीं, आप कभी भी नहीं हार मानोगे। मोहम्मद अली ने कहा था, "Where is no pain, there is no gain." मतलब सफलता की असली हकदार बनने के लिए आपको दर्द को बर्दाश्त करना ही होगा। आपको अपने आप को लिमिट के बाहर पुश करना ही होगा। आपके अंदर एक योद्धा है और आपको उस योद्धा को खुद के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार करना होगा। आपके सामने आने वाले दिन कभी भी बहुत सुंदर नहीं होने वाला। आपको खुद अपने आने वाले दिनों को सुंदर बनाना होगा। अगर आप आपके जीवन के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर आपके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। आपको खुद आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। अगर आप लोगों को दोष देने की खेल में लग जाएंगे और कहेंगे कि हमेशा से मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं इस शख्स के वजह से उस मुकाम पर नहीं पहुंच सका। अगर आप इस तरह की व्यक्ति हो तो फिर आप कभी भी वो जीवन नहीं हासिल कर सकते जो आप चाहते हो। आपको हर एक एक्शन खुद लेना होगा। जो चीज आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है उसे अपने जीवन से निकाल फेंको। गलतियां ढूंढने की बजाय ये वजह ढूंढो कि कैसे आप अपने गलतियों को सुधारोगे। एक सफल और कामयाब जीवन जीने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? आपके फील्ड के सबसे ऊंचाइयों में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं उस पर गौर करो, और उनसे ज्यादा बेहतर आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। मैं ये नहीं मानता कि जो लोग सफल बने हैं उन्होंने कभी भी अपने बार बार नाकामयाबी की वजह किसी और को बताए है। उन्होंने बस उस चीज पर गौर किया है कि कैसे वो आज काम करें एक बेहतर कल पाने के लिए। अपने कारण अपने पर्पस को एक कागज में लिख डालो और कहो, अब बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं अब और किसी को अपने हार के बजाय नहीं मानूंगा। आपको वो सब कुछ करना होगा जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहिए। जब नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस आएगी तब भी आपको सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। आपको ये मानना होगा कि आप जिस हालात में हो उसके कारण आपके पहले लिए हुए सिद्धांत है। आपको आपकी हर हालात की, चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। आपके जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप हो। इसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ आप ही बना सकते हो। इसमें वाकई में किसी की भी हाथ नहीं है कि आप किस हालात में हो। जब आप आपके जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे तब आपके जीवन भी आपके हिसाब से ही चलेगा।